सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र भरने से पहले सुजानपुर चिल्ड्रन पार्क में चुनावी रैली को संबोधित किया। राजेंद्र राणा ने एसडीएम कार्यालय में नामांकन पत्र भरा। नामांकन पत्र भरने के बाद राजेंद्र राणा ने अपनी जीत का 100% दावा किया और कहा कि सुजानपुर की जनता की सेवा की है और जनता भारी बहुमत से जिताएगी। राजेंद्र राणा ने कहा कि जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और सुजानपुर की जनता के सुख व दुख में साथ दिया है, जिसके चलते अब जनता मुझे वोट देकर जिताएगी। उन्होंने कहा कि सुजानपुर क्षेत्र को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए काम किया जाएगा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट यहाँ सुजानपुर चुनाव क्षेत्र से दी है और इससे पहले भी मैं यहाँ से 2012 में इंडिपेंडेंट विधायक चुना गया था। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिली है और मैं आश्वस्त हूँ कि सुजानपुर की जनता, जिसकी लगातार मैं 15 वर्षों से 16 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, सुख में खड़ा हूँ, दुख में खड़ा हूँ, और पिछले 5 वर्षों में सुजानपुर को बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए जो मैंने काम किया है, आज मैं सुजानपुर की जनता को, एक एक नागरिक को सल्यूट करता हूँ कि आज नॉमिनेशन किया है और हजारों हजारों की तादाद में लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं और मैं आश्वस्त हूँ कि सुजानपुर की जनता राजेंद्र राणा को उसकी सेवा के कारण और उसके जो डेवलपमेंट की है, विकास के नाम जो है, वो मुझे आशीर्वाद देगी। सर, क्या खुद में खुद मुद्दा है जिसने 5 वर्षों में इतनी डेवलपमेंट के काम किए हैं, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, 88 पेज की बुकलेट जो है वो तैयार हुई है, एक एक गांव में काम किया है, एक एक पंचायत में काम किया है और सुजानपुर को आगे ले जाने के लिए सुजानपुर जो है, सुजानपुर का एक एक नागरिक इसका जो है गवाह है और आने वाला समय जो है सुजानपुर को जो है और भी आगे बुलंदियों पर लेके जाएंगे और सुजानपुर को और भी ज्यादा जो है डेवलपमेंट के काम करेंगे, जो बच गए उनको भी करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री धूमल के चुनाव क्षेत्र में होने पर राजेंद्र राणा ने धूमल के चुनाव लड़ने पर स्वागत किया और कहा कि मैं सुजानपुर की धरती का बेटा हूं और जनता मुझे प्यार देती है। धूमल का पहले हमीरपुर चुनाव क्षेत्र था, लेकिन अब सुजानपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका स्वागत करता हूं।